आज रविवार का दिन था, 7 जून 2020 की रिपोर्ट सुबह शाम दोनों की मिला के हम आपको रिपोर्ट बता रहे हैं। आज जो सुबह है 38 पेशेंट निकले थे और शाम को जो है कोरोना पॉजिटिव अकोला जिला में 19 निकले, ऐसा टोटल मिला के एक दिन में जो है 57 पेशेंट आज निकले हैं। पूरे 3 महीने का रिकॉर्ड अकोला शहर में टूट चुका है, 3 महीने में 57 पेशेंट कहीं पर भी नहीं निकले, इतने ज़्यादा पेशेंट अकोला जिला के अंदर अभी तक नहीं निकले। तो दोस्तों यहाँ पे इसमें जो शाम को मिलने वाले लोग हैं उसमें 13 जो है पुरुष है, 13 पुरुष है उसमें और 6 महिला है। शाम को जो 19 मिले उसका बता रहे हैं अभी हम आपको। इसमें 4 जने जो है वो खदान से है, 3 लोग जो है जठारपेट से है, तो एक जना गौरक्षण रोड से, एक कच्ची खोली से, एक सिंधी कैंप से, एक अनिकट पुलिस लाइन से, एक गौलीपुरा से, एक दीपक चौक से, शिवर से, बलोदे लेआउट चैतन्य नगर से, नायगांव से, संत कबीर नगर से, गुलजारपुरा से और बालापुर का एक, तो ये सब जगह के एक एक है। और आज एक जो ख़ास बात है, आज 9 लोगों को यहाँ पे जो है छुट्टी दे दी गई, 9 लोगों को जो है डिस्चार्ज दे दिया गया। दोस्तों हम आपको जो है यहाँ पे आपको इस बीमारी से डर ना लगे, इसलिए इस बीमारी से आपके दिल में कोई दहशत ना बैठे, इसलिए हम आपको अभी तक की पूरी रिपोर्ट अब नहीं बताएंगे, सिर्फ 2 ही चीज़ हम आपको बताएंगे, एक जो रिपोर्ट पॉजिटिव आज कितने आए वो, और दूसरा आज डिस्चार्ज कितने हुए वो, और तीसरा अभी तक जो लोगों को डिस्चार्ज हो गया उसके बारे में। तो 540 लोगों को अभी तक के डिस्चार्ज हो गया अकोला में, पहले दिन से लेकर अभी तक के 540 लोग अच्छे होके अपने घर पर चले गए। और अभी जो लोगों का ट्रीटमेंट शुरू है, ऐसे 236 लोगों का सिर्फ ट्रीटमेंट शुरू है। तो दोस्तों देखो ये जो पेशेंट है ये तो बढ़ ही रहे हैं, लेकिन हम अगर सावधानी रखें, हम अगर हमको जो सावधानी बताई गई है हम वो सावधानी रखते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम बीमारी से बच सकते हैं। हमारी कोशिश करना हमारे हाथ में है और बाकी फल देना ऊपर वाले के हाथ में है। तो दोस्तों ये आप कमेंट करके बताएं कि आपने इस बीमारी से बचने के लिए क्या किया है, और आपके आजू बाजू में जो लोग हैं क्या कोई इस बीमारी से ग्रसित है, क्या आपके आजू बाजू में कोई इस बीमारी से ग्रसित हो, तो उसकी जानकारी जो है सिविल हॉस्पिटल को या अकोला महानगर पालिका को दे। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी कर दें, इससे हमारी हिम्मत बढ़ती है।